सोलन भाजपा हिमाचल प्रदेश के प्रभारी अविनाश राय खन्ना एवं सह प्रभारी संजय टंडन का सोलन पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। उनके साथ प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल, संसदीय क्षेत्र के प्रभारी पुरुषोत्तम गुलेरिया, सोलन जिला के प्रभारी पायल बैद, जिला अध्यक्ष आशुतोष बैद, प्रदेश महिला मोर्चा के अध्यक्ष रशिमधर सूद और वीरेंद्र कश्यप विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने कहा कि भाजपा सुशासन के लिए जानी जाती है। घर बैठे न्याय और घर बैठे सरकार के फायदे भाजपा कार्यालय में ही संभव है। कल देश के प्रधानमंत्री ने 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ का फायदा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर द्वारा पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का नेता जन्म से बनता है और भाजपा का नेता कर्म से बनता है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी कार्यकर्ताओं के दम पर घर घर पहुंचेगी और ये सुनिश्चित करेगी कि अधिक से अधिक मतदान हो। उन्होंने कहा कि जो भी प्रत्याशी पार्टी द्वारा चुनावी मैदान में उतारे गए हैं वे सोच समझ कर उतारे गए हैं। उन्हें जितना भाजपा का लक्ष्य है और हर कार्यकर्ता उनका सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि कुछ कार्यकर्ता आजाद उम्मीदवार बनकर चुनावी रण क्षेत्र में उतरे हैं, उनकी सूची बनाकर अनुशासन कमेटी को सौंपी जाएगी और वही उन पर निर्णय भी लेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडरबेस पार्टी है और इसके कैंडिडेट्स के निर्णय भारतीय जनता पार्टी की इलेक्शन कमेटी लेती है। हमने सभी जगह जिनको समर्थन देना था उनको समर्थन दिया है। जो समर्पित कार्यकर्ता, समर्थित कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वही कार्यकर्ता हैं। उनके लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करेगा, उनको ही हम जिताएंगे। देखिए, मैं एक बात कहता हूँ कि पार्टी हमारी माँ है। जो लोग पार्टी के नहीं हुए वो लोगों के भी नहीं होंगे। इसलिए मैं लोगों से अपील करूँगा कि वो भारतीय जनता पार्टी ने जिन लोगों को समर्थन दिया है वो अखबारों में भी आ गया है, कार्यकर्ता ने अनाउंस भी कर दिया है, उनको जिताएं ताकि जितनी भी योजनाएं सरकार की हैं वो हम नीचे तक उनको लागू कर सकें। मुझे खुशी है कि हिमाचल जो है एक कैडर बेस पार्टी है यहाँ पर, और 7200 से ऊपर बूथ हैं। हर बूथ पे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बैठा है और हर बूथ पे ही हमारी सरकारों ने, चाहे वो केंद्र की सरकार है चाहे राज्य सरकार है, पूरा कोई ना कोई लाभार्थी, कोई ना कोई लाभ इन लोगों को मिला है। एक बहुत बड़ी संख्या बन जाती है जो लाभार्थी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को हमने कहा है कि 100% वोटर से संपर्क करना और मैक्सिमम पोलिंग करवाना और मैक्सिमम लोगों को बूथ पे लेके जाना। अपनी सरकार की उपलब्धियों के बलबूते पर हम दावे के साथ मैं कह सकता हूँ जहाँ पर पंचायत के चुनाव में भी हम लोग जीतेंगे। सर, जैसे मतलब अगर कोई विभागी चुनाव लड़ रहे हैं पार्टी से, बगावत करके चुनाव लड़ रहे हैं, एक सिस्टम होता है पार्टी का। जैसे ऐसी सूचना आती है तो उसका मैटर डिसिप्लिन कमेटी में जाता है, फिर वो डिसिप्लिन कमेटी है वो निर्णय लेती है।